हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का जो वीडियो है वैसे तो आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा या टाइटल से भी पता चल गया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं Acer Aspire 5S i5 10th जनरेशन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके अंदर आपको दिखाएंगे कि अनबॉक्सिंग में क्या क्या आता है और अंदर क्या क्या सिस्टम होता है और सारा है वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप वो दिखाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त मीडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं और लैपटॉप के वो अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, अनबॉक्सिंग करने से पहले बता दूं, आप जैसे नया लैपटॉप खरीदते हो तो उसके साथ ये बैग आता है। तो इसको पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये किस टाइप का बैग है, क्या है, ब्रांड Acer का है। तो लैपटॉप की जो बैग आएगा वो भी Acer का ही आएगा। तो इस टाइप का बैग आता है, आप देख रहे हैं क्वालिटी आपके सामने है, ज्यादा हैवी क्वालिटी भी नहीं है पर ठीक है, अच्छी क्वालिटी है ये लैपटॉप डालने के लिए। तो एक तो बैग आता है जो आपके सामने है, आप क्वालिटी इसकी देख रहे हो कैसी है। अब मेन जो हमारा बैग का जो टारगेट है वो है ये लैपटॉप। तो इस लैपटॉप में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो अब आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा जूम करके। तो आप लोग यहाँ पे कैमरे को मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप देख रहे हो विंडो 10 है, वो होम है Acer वाला। प्रोसेसर आपको दिखाई दे रहा है इंटेल कोर i5 और 10 जनरेशन है और LCD है, साइज सब आपको दे रखा है यहाँ पे HD के अंदर है। ग्राफिक कार्ड है इंटेल UHD है, अल्ट्रा HD, ठीक है। बाद में बात करें मेमोरी की, जो रैम आती है उसकी, तो रैम है कौन सी, 8GB DDR4 रैम है जो बहुत ही हेवी स्पीड होती है। और जो हार्ड डिस्क है वो 512GB है, वो भी कौन सी है, SSD है, ये भी स्पीड होती है, फास्ट होती है HDD से। तो अब बाकी जो सिस्टम है इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है लैपटॉप के अंदर। टेन जनरेशन का है तो वैसे लैपटॉप है वो वैसे तो फास्ट होगा ही, फिर भी आपको पूरा वो चेक करा दूंगा मैं कि क्या क्या सिस्टम होने वाला है। तो ये देखिए आपके सामने की ये सिस्टम है जो इसके अंदर आता है, मैं थोड़ा जूम करके आपको चेक करा देता हूँ, आप लोग देख पाओगे। तो ये तो इसकी जो बुक आती है वो बुक है ही, ठीक है। और ये कुछ इसकी सीढ़ियाँ हैं, जैसे Acer के जो ड्राइवर सिस्टम आते हैं उनकी सीढ़ियाँ हैं। तो ये भी अपने लिए क्या है, कभी जैसे विंडो वगैरह प्रेस हो जाता है या उस समय हमें इन चीज़ों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। तो कुछ सीढ़ियाँ आती है और ये सारे पेपर है वो लैपटॉप के ही हैं। अब इसके अंदर एक चार्जर आता है, चार्जर भी कितने वाट का है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 18 एम्पीयर का जो है एडाप्टर है। तो चलिए आप लैपटॉप है वो अपने देखते हैं क्या क्या सिस्टम है इसके अंदर और क्या है। तो ये सब हटा देता हूँ मैं ताकि आप लैपटॉप को वो अच्छे तरीके से वो देख सकें। तो ये देखिए लैपटॉप आपके सामने है, आराम से देख लीजिए लैपटॉप को और थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूँ लैपटॉप को। तो इसके अंदर आता क्या क्या है, लाइन, ये चार्जर वाला पोर्ट है, लाइन है, VGA है, HDMI है और USB है। USB भी ये कितने पोर्ट आते हैं, 1, 2 और 3 पोर्ट है वो USB के आते हैं। और ये एक कार्ड वाला है, SD कार्ड आप लगाना चाहते हो तो कार्ड भी लगा सकते हो। बाकी इसका लुक है वो आपके सामने लुक देख रहे हो आप, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एकदम अच्छे तरीके से, पीछे से भी पूरा का पूरा लुक है वो चेक कर लो आप आराम से। और बहुत ही स्लिम लैपटॉप है और बैटरी जो पावर है इसका लगभग 11 घंटे से 12 घंटे के बीच में इसकी बैटरी बैकअप है, तो बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा है। तो ये जो लैपटॉप है Acer का, इसके अंदर बैटरी बैकअप है वो 11 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप है, बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप है।
और विंडो 10 है वो होम प्रो है, और रैम है वो 8 GB है, और जनरेशन है वो 10th generation का प्रोसेसर है, जो काफ़ी हेवी प्रोसेसर होता है। बाकी जो जितना भी सिस्टम होता है इसका मैं आपको डिटेल जितनी भी है वो सारी नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। बाकी मैं इसको ऑन करके भी आपको चेक करा देता हूँ, तो मैं थोड़ा कैमरा जूम करके इसके पूरी कॉन्फ़िगरेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कोर i5 है, इंटेल है, और इसको ऑन करके आपको चेक कराता हूँ। तो आप देख रहे हो ऑन हो रहा है लैपटॉप पर वो, और इसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी आता है, इंटेल का ग्राफिक कार्ड आता है। अगर आप बाहर से लगवाना चाहते हो इसके अंदर, तो बाहर से भी आप लगवा सकते हो, और 20 GB तक आप इसके अंदर वो हार्ड डिस्क लगा सकते हो। SSD लगाना चाहते हो तो बाहर वाले तो आप लगा सकते हो, उसके साथ साथ यदि आप इसके अंदर एक्स्ट्रा लगाना चाहते हो तो भी आप वो लगा सकते हो, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो दोस्तों आपने Acer Aspire 5S 10th जनरेशन i5 की अनबॉक्सिंग देख ली। लैपटॉप काफ़ी स्लिम लैपटॉप है, और कीपैड तो बहुत ही इतने स्लिम है, आप चलाओगे आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें खास बात मैं आपको ये बता दूँ, इसमें जो टाइप सी टाइप का है वो भी ऑप्शन आता है, जिसे आप बाहर से भी है ग्राफिक कार्ड है वो लगा सकते हो। जिसे आप कोई हेवी गेम खेलते हो या हेवी एडिटिंग वगैरह करते हो, तो जिसे ग्राफिक कार्ड बाहर से भी आकर वो इसके अंदर इंस्टॉलेशन कर सकते हो। बाकी मैं आपको लैपटॉप है वो एंडिंग में दिखा दूंगा कि चारों साइड से वीडियो घुमा के, जिससे आप लोग आराम से देख सको कि लैपटॉप है वो कैसे दिखाई दे रहा है, इसका लुक कैसा है। यदि आप इसको ऑनलाइन खरीदते हो तो इसकी लगभग 65-60 हज़ार के आसपास प्राइस है। यदि ऑफलाइन खरीदते हो तो आपको 5 या 7 हज़ार है वो कम रेट के अंदर है वो मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, आप इनके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय धन्यवाद। और आप दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर करें। धन्यवाद।